छात्रों, आज हम पाठ 3 द्विदल पढ़ेंगे। पहले अपन इसका शीर्षक देते हैं, द्वि यानी दो। हिंदी में भी द्वि का प्रयोग किया जाता है और हिंदी का इस शब्द है दल। दल यानी भाग, समूह। तो यहाँ द्विदल है, दो भाग या दो दल जो भी कह लीजिए। तो यहाँ दो क्या है, यहाँ दो आपको छोटी छोटी लघु कथाएँ दी गई, दो छोटी कहानियाँ दी गई, इसलिए इसका पाठ का नाम द्विदल है। इनके लेखक है डॉक्टर आई के विजड़ी वाला। इनका जन्म 14/7/1960 में हुआ था। डॉक्टर आई के विजड़ी वाला नो जन्म भावनगर जिल्ला ना अमरगढ़मा थयो हतो। डॉक्टर आई के विजड़ी वाला का जन्म भावनगर जिले के अमरगढ़ में हुआ था। तेवो व्यवसाय डॉक्टर छे। वो अपने व्यवसाय से डॉक्टर है, मतलब मूलतः वो डॉक्टर है, लेकिन लेखक का भी काम किया है, उन्होंने लिखा है, साहित्य में उनका योगदान है। साइलेंस प्लीज, मोतीचारो, प्रेमनो पगरव अने उंदरबाईनी आँखो आवी वगैरह एमना जाणीता पुस्तकों छे। साइलेंस प्लीज, मोतीचारो, प्रेमनो पगरव, उंदर भाई ने आँखो आवी वगैरह वगैरह यानी इत्यादि तेमना जाणीता पुस्तकों छे, उनके जाने माने या तो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये था लेखक परिचय डॉक्टर आई के विजड़ीवाला का, जिन्होंने ये पाठ दिया है द्विदल। उन्होंने आपने देखा कि चार एक पुस्तकें दी है, व्यवसाय से वो डॉक्टर है। अब हम देखते हैं ये द्विदल कहानी का परिचय, इस कहानी में क्या दिया गया है। अहीं बे बोध कथाओ सादी अने सरल शैली में आपवामां आवी छे। यहाँ पर बे यानी दो, बोध कथाओ मतलब दो शिक्षापद कहानियां, बोध कथाएं। अपन इसका प्रकार देखेंगे द्विदल का, तो वो है बोध कथा, बोध कथा, ठीक है। तो सादी और सरल शैली मतलब बहुत ही सामान्य रूप से और सरल शैली में दी गई है, ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। प्रथम बोध कथा में शिल्पी नी आत्मनिष्ठा अने प्रभु निष्ठा सुंदर रीते व्यक्त थई छे। पहली कहानी में शिल्पी की, शिल्पी यानी समझते, शिल्पी यानी जैसे चित्र है तो चित्रकार, शिल्पी यानी जो शिल्प करने वाला है, मंदिर बनाता है, मूर्तियां बनाता है, तो शिल्पी जो है, जो मूर्ति बनाने वाला, उसकी आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा यानी कहें तो श्रद्धा एक तरह से, प्रभु निष्ठा, प्रभु के प्रति विश्वास श्रद्धा, वो यहाँ सुंदर रूप से प्रकट हुई है, व्यक्त हुई है। लेखक ने बहुत अच्छी तरह से ये कहानी के माध्यम से एक शिल्पकार का भगवान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा दी है यहाँ पे। तो बीजी बोध कथा में एक युवक पोताना व्यवसाय प्रत्ये केटलो गंभीर अने सन्निष्ठ छे एनी चोटदार शैली में रजूआत छे। तो दूसरी बोध कथा में एक युवक कितना व्यवसाय, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने धंधे के प्रति कितना गंभीर है। जैसे आप फॉर एग्जांपल छात्र हैं, तो आपको पढ़ाई के प्रति गंभीर होना चाहिए और उसमें निष्ठा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई कार्य दिया तो आपको उसके प्रति सीरियस होकर तुरंत वो कार्य करना चाहिए और सन्निष्ठता से, लगन से और अच्छी तरह से काम करना चाहिए कि आज हमें ये होमवर्क मिला है तो हम इसको बहुत सुंदर तरीके से कितने अच्छे से कंप्लीट करें, अधूरा रहना ही नहीं चाहिए, इस तरह से काम करना है। एनी चोटदार शैली में रजूआत छे, उसका यहाँ चोटदार यानी असरकारक, जब आप पढ़ोगे तो आपको मन में असर होगी, उसका प्रभाव होगा कि जब ये युवान जो है इस तरह से अपने धंधे के प्रति लगनशील है तो क्यों ना हम भी हों। तो इस तरह से रजूआत यानी प्रस्तुति, रजूआत यानी प्रस्तुति। तो यहाँ ये जो कुछ शब्द हैं वो लिख लीजिए आप, जैसे कि चोटदार यानी कि प्रभावशाली, असर कारक, ऐसे। और कोई शब्द है तो आप बताइएगा,
तो हम उसको ले लेंगे, उसका अर्थ बता देंगे, है ना। तो यहाँ ये बताया गया है, आगे देखते हैं अपन। पहली जो कहानी है उसका शीर्षक है मूर्ति। जैसे द्विदल में है तो मैंने पहले ही बता दिया कि द्वि यानी दो, तो दो कहानियां। तो पहली अपन लेते हैं मूर्ति। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले बताया परिचय में, तो उसमें एक शिल्पकार की बात है, तो शिल्पकार है तो मूर्ति आना है। तो यहाँ मूर्ति की कहानी है। एक माणस एक वक्त पोताना गाममां बनी रहेला नवा मंदिरनू निर्माण कार्य जोवा गयो हतो। एक व्यक्ति एक समय अपने गांव में बनने वाले नए मंदिर का निर्माण कार्य देखने गया था। एक कोई जानकार न हो तो वो कोई जानकार नहीं था। अपन भी क्या है, कई कई मामलों में अपने को जानकारी इतनी होती नहीं है। जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके बारे में उसकी जानकारी गहरी रहती है। तो यह एक व्यक्ति जो था वो अपने गांव में एक नया मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। हम भी हमारे गांव में कुछ होता है नया बनता है तो उत्सुकतावश देखने जाते हैं। तो वो देखने गया था, वो कोई जानता नहीं था। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या था। बस एमज जोवा माटे गयो हतो, बस यूं ही वह देखने के लिए चला गया था। त्यां जईने एणे जोयुं तो एक शिल्पी खूबज एकाग्रता थी आरसपाणना पत्थरमांथी भगवाननी मूर्ति घड़ी रह्यो हतो। वहां जाकर उसने देखा तो एक शिल्पी बहुत ही एकाग्रता के साथ आरसपाण मतलब लिखिए आरस पहाण, पहाण यानी पत्थर पाषाण, और आरस मतलब संगमरमर, ये लिख लीजिए संगमरमर। आरसपाण यानी संगमरमर। तो वह खूब एकाग्रता से संगमरमर की पत्थर में से भगवान की मूर्तियां बना रहा था। पेला मानस ने एना काम में रस पड़ी गयो, उस व्यक्ति को उसके काम में रस पड़ी गयो। रस पड़ना मतलब इंटरेस्ट आना, रस आना, अच्छा लगना। कई कई चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी रंगोली बना रही है या कोई खाने का व्यंजन बना रही, तो हम ध्यान से देखते हैं कि कितने अच्छे से बना रही, हम भी ऐसा कर सकते हैं। या आपका कोई मित्र या सहेली जो है वो कोई पेंटिंग बना रहा है तो हम देखते हैं, या कुछ मॉडल बना रहा है तो हम देखते हैं। हमें आता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्योंकि हमको उसको देखना अच्छा लगता है। तो उसको उस काम में रस आ गया, अच्छा लगा। ए शिल्पी नी बाजू में बेसी गयो, वह शिल्पी के बाजू में बैठ गया। अचानक एनु ध्यान बाजू में पड़ेली एवीज अन्य एक मूर्ति पर पड़ी। अचानक उसका एक ध्यान बाजू में पड़ी हुई एक अन्य मूर्ति पर गया। उसने देखा कि एक तरफ तो शिल्पी जो है वो अच्छे से मूर्ति बना रहा है बड़ी एकाग्रता के साथ, पर साथ ही उसने देखा कि बगल में भी एक मूर्ति पड़ी हुई है। इन्हें नवाई लागी, उसे बहुत नवाई लगी। नवाई लगी मतलब आश्चर्य होना, लिख लीजिए नवाई आश्चर्य। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, उसको बहुत वो लगा कि ये मूर्ति ऐसे क्यों रखी है यहाँ पे, इतनी अच्छी मूर्ति। एने शिल्पी ने पूछू, उसने शिल्पी से पूछा मंदिर में एक सरखी आ बे मूर्तियों नी जरूर छे। उसने शिल्पी से पूछा कि मंदिर में एक सरखी मतलब एक समान, सरखी मतलब समान, ये दोनों मूर्तियों की जरूरत है। बोले ये नहीं समझ में आ रहा, बोले तुमने एक ही मंदिर के लिए दो दो एक जैसी मूर्तियां बनाई है, क्या बात है। ना शिल्पी है जवाब आप, शिल्पी ने कहा नहीं, आवी एकज मूर्ति नी जरूर छे, ये तो ऐसी तो एक ही मूर्ति की जरूरत है, परंतु आ बीजी मूर्ति में थोड़ूक नुकसान थवा थी छेली घड़िए पड़ती मुकवी पड़ी, लेकिन यह दूसरी मूर्ति में थोड़ा सा नुकसान हो जाने से छेली घड़ी, छेली यानी आखिरी, लिख लो छेली यानी आखिरी,
बोले आखिरी घड़ी में, घड़ी यानी पल क्षण, बोले आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे, आखिरी घड़ी अंतिम क्षण में इसको पड़ती मुकवी पड़ी, पड़ती मतलब छोड़ दी गई, इसको वो मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसने जब पूछा कि क्यों भाई एक मंदिर के लिए दो एक जैसी मूर्ति क्यों बनाई, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये मूर्ति तो एक ही चाहिए, जरूरी एक ही है, लेकिन एक दूसरी मूर्ति में थोड़ा सा नुकसान हो जाने से आखिरी घड़ी में मुझे छोड़ना पड़ा।